Assalamu alaikum. Students, please open your book, page number 37. Today, we start our lecture from exercise 4.5, question number 1. Solve the following. Part 9, 3.8 multiplied by 223. 3.8 ko hum upar rakhenge, 223 ko hum niche rakhenge. Theek ke saath pehle multiply karna start karenge. 3, 8 are 24, 4 answer milika aur 2 humne next value ko carry de diya. 3, 3s are 9, 9 में 2 ऐड करें, कैरी वाला 11 आ गया. अब हम 2 को मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. 2, 8s are 16, 6 आंसर मिलेगा और 1 ने हमने नेक्स्ट वैल्यू को कैरी दे दिया. 2, 3s are 6, 6 में 1 कैरी वाला ऐड करें, 7 आ गया. अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करने से पहले फर्स्ट डिजिट के नीचे भी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और सेकेंड के नीचे भी. 2, 8s are 16, 6 आंसर मिलेगा और 1 हमने नेक्स्ट वैल्यू को कैरी दे दिया. 2, 3s are 6, 6 में 1 कैरी वाला ऐड करें, 7 आ गया. अब हम इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे. 4 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, 4 आ जाएगा, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा. 1 में 6 ऐड करें तो 7 आ जाएगा. 1 में 7 ऐड करें, 8 आ जाएगा. 8 में 6 ऐड करें तो 14 आ जाएगा. 4 आंसर मिलेगा और 1 हमने नेक्स्ट वैल्यू को कैरी दे दिया. 7 में 1 ऐड करें, 8 आ जाएगा. इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें. 7.325 मल्टीप्लाई बाय 212. 7.325 को हम ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 212 के साथ. 2, 5 ज़ार 10, 0 आंसर मिलेगा, 1 हमने नेक्स्ट वैल्यू को कैरी दे दिया. 2, 2 ज़ार 4, 4 में 1 कैरी वाला ऐड करें, 5 आ गया, हमने आंसर में 5 दिया. 2, 3 ज़ार 6, हमने आंसर में 6 लिख दिया. 2, 7 ज़ार 14, हमने 14 कंप्लीटली लिख दिया. 1 हमने कैरी इसलिए नहीं दिया, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास थी नहीं जिसको हम कैरी दे सकें. अब हमने स्टेप 2 करना है. उससे पहले हम फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. 1, 5 ज़ार 5, 1, 2 ज़ार 2, 1, 3 ज़ार 3, 1, 7 ज़ार 7. अब हम सेकेंड स्टेप सॉल्व कर चुके हैं. थर्ड स्टेप है हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाई करने का. उससे पहले हम फर्स्ट डिजिट के नीचे भी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और सेकंड के नीचे भी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. 2, 5 ज़ार 10, 0 आंसर मिलेगा और 1 हमने 2 को कैरी दे दिया. 2, 2 ज़ार 4, 4 में 1 कैरी ऐड करें, 5 आ गया, हमने 5 आंसर में लिख दिया. 2, 3 ज़ार 6, 2, 7 ज़ार 14. अब हम इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे. 0 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, हम 0 एज इट इज़ नीचे ले आएंगे. 5 में 5 ऐड करें, 10 आ गया, 0 आंसर में लिखा और 1 हमने नेक्स्ट वैल्यू को कैरी दे दिया. 6 में कैरी वाला ऐड करें, 1, 7 आ गया. 7 में 2 ऐड करें, 9 आ गया. अब हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया. 4 में 3 ऐड करें, 7 आ गया. 7 में 5 ऐड करें तो 12 आ गया. 2 हमने आंसर में लिखा और 1 हमने नेक्स्ट वैल्यू को कैरी दे दिया. 7 में 1 ऐड करें, 8 आ गया. 8 में कैरी वाला 1 ऐड करें, 9 आ गया. 9 में 6 ऐड करें तो 15 आ जाएगा. 5 हमने आंसर में लिखा और 1 हमने नेक्स्ट वैल्यू को कैरी दे दिया. 4 में 1 ऐड करें, 5 आ गया, हमने 5 आंसर में लिख दिया. यहाँ पर 1 के पास कोई भी कैरी नहीं है और ना ही ऊपर कोई डिजिट है, इसलिए 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया. आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस करने के बाद अपने पेरेंट्स को चेक करवाएं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.